है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास है CP+ का एक ऑडियो कैमरा जो कि आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर जो है मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप मॉडल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप इसको अपने DVR में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें DVR में क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, उसी को लेके वीडियो बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। अंदर एक कैमरा देखने को मिलता है, उसके साथ कुछ आपको पेज और लिट्टियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद डब्बे में आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ, इसको भी एक तरफ रख देता हूँ। साथ में कैमरा है। कैमरे की क्वालिटी की अगर बात करें तो ठीक ठाक है। CP+ के जो कैमरा है अब उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले आती थी। इसमें आप देख सकते हैं अलग से भी कोई पेच नहीं लगे हुए। यहाँ से आप इस स्लाइड से दोनों तरफ से कैमरे को इजीली पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर जो भी आपके पास होगा टेस्टर उसी से आसानी से खोल सकते हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक माइक का छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपने DVR में इंस्टॉल करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना पूरा DVR का सेटअप कर लेता हूँ, LED वगैरह लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे इंस्टॉल करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसे हम जब इंस्टॉल कर देते हैं तो हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है जिससे कि ये ऑडियो इसकी ऑटोमेटिक काम करने लग जाए। क्योंकि आपने देखा होगा इनमें कहीं भी अलग से कोई ऑडियो का ऑप्शन नहीं होता, ऑडियो इस कैमरे की जो वीडियो की तार है उसी के थ्रू आती है। तो चलिए मैं अब अपना सेटअप कर लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं कि हमें क्या क्या करना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इस कैमरे को इंस्टॉल कर दिया है। मैं आपको सीधा अपनी साइट पर लेके आया हूँ जहाँ पे इस कैमरे को मैंने इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये मेरा ऑडियो कैमरा है। अब मैं आप लोगों को अपनी LED की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ दोस्तों। तो भाई दो नंबर पे हमने इस कैमरे को लगाया है, मैं कैमरा बड़ा करके दिखा देता हूँ। और आपको कुछ सेटिंग्स करनी है अपने DVR में, उसके बाद ही ऑडियो आपकी आएगी। सबसे पहले मैं इसे पैटर्न से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कैमरे का जो एनकोड ऑप्शन होता है उसमें जाना है और यहाँ पे आपको जो मोड सेटिंग्स आती है आपको पहले कैमरा सेलेक्ट कर लेना है किस नंबर पे है, उसके बाद मोड सेटिंग में ऑडियो अनेबल करनी है दोनों साइड में। आप देख सकते हैं ऑडियो अनेबल हो चुकी है, इसको आपको अप्लाई करना है। लेकिन उसके बाद भी आपके कैमरे में आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ अगर आपको लाइव सुननी है, रिकॉर्ड तो हो रही है आवाज़ आपकी लेकिन लाइव नहीं आ रही, उसके लिए भी आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है। आपको अपने मेन मेन्यू में जाना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में लाइव ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, इसे अप्लाई करके अनेबल कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा ऑडियो आनी स्टार्ट हो चुकी है, आप सुन सकते हैं। बाहर काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आप अच्छे से सुन सकते हो। अगर आप लाइव ऑडियो सुन रहे हैं तो थोड़ी जमीन की प्रॉब्लम आपको रहती है। इसे बंद करने के लिए आपको सारे कैमरे अगर आप देखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, देखिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप रिकॉर्डिंग में आवाज़ कैसे सुन सकते हैं। आपको कोई भी प्ले कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑडियो पे सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको ये कि ऑडियो पे आपको तब से सेलेक्ट करना है जब से आपने ऑडियो अनेबल की है, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि CP+ का 2.4 मेगापिक्सल का ऑडियो कैमरा आप अपने CP+ के किसी भी DVR में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग्स करने की जरूरत पड़ती है। पूरी डिटेल्स में मैंने भी ये वीडियो बना दी है। अब आप आसानी से अपने DVR में कोई भी ऑडियो कैमरा CP+ का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने CCTV कैमरा में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप CCTV कैमरे का काम करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर नहीं दे पाया तो मैं आपको वीडियो कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप अगर CCTV कैमरे का काम करते हैं तो नई नई अपडेट्स के लिए और CCTV की नई नई जो प्रॉब्लम्स होती हैं नए नए प्रोडक्ट्स में उनके सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।